मुगल किनार मोड़ पर दो गाड़ियों के आमने सामने की भिड़ंत हुई है। और दो थे वो बताओ। हाँ आप बताओ। एक मिनट भाई, एक के बोलो, मैं इसकी तेरे को बाद में मौका दूंगा, बाद में बोलिए। हाँ भाई बताओ, आगे मारी इसने। हाँ भाई तू बता। वहाँ से आ रहे थे हम। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मतलब ट्रैफिक सी थी, एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी ऑलरेडी, तो यहाँ से आ रही थी, इनकी ज्यादा नहीं दबी हुई थी उस साइड, तो घुमाई मैंने इनका, अगर ये थोड़ा सा ब्रेक मार लेते ना निकल जाती गाड़ी। ब्रेक ही थी भाई, अपने तो खड़ी है स्पीड में, तो देखो हमारी नॉर्मल थी, मतलब हमारी सही था, पीछे पीछे ही लगी है, इधर से खिड़की खिड़की सारी लाइन पर। अब आप लोग देखो, अगर हमारी गाड़ी स्पीड में होती, तो हमारी स्पीड में होती तो हमारी में भी ज्यादा डेंट नहीं। भाई साहब पता क्या होया, मैं बताऊं बात, इनने जो भाई साहब पता क्या करे, ये सिद्ध निकल जाता ठीक थे, इसका हाथ बैल लिया, इसने साइड में ऐसे गाड़ी मोड़ी ना, पीछे से लगी गाड़ी, अगला बंपर, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी कहाँ खड़ी है, गाड़ी कहाँ खड़ी है हमारी, ये रही जी, हम इसी साइड जा रहे थे। अच्छा वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे, रॉन्ग साइड से आ रहे थे, ये का देखो आप भी मुड़ी हुई खड़ी है, ये रॉन्ग साइड से आ रही थी गाड़ी, ये रॉन्ग साइड से आ रही थी। फिलहाल ये देखिए जबरदस्त टक्कर है गाड़ी की, और ये देखिए ये हालांकि दूसरी गाड़ी भी एक बार देख लेते हैं, दूसरी गाड़ी भी एक बार देख लेते हैं, और गाड़ियों की आमने सामने की भिड़ंत हुई है। फिलहाल ये दूसरी गाड़ी खड़ी है जो कि रॉन्ग साइड की तरफ से आ रही थी, और बताया जा रहा है दोनों गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है। देख लीजिए, ये देख लीजिए, पीछे से एकदम काटते टाइम मारी है इसके, जैसे इसका हाथ नहीं, पूरी फुल स्पीड में थी। ये रॉन्ग साइड थी, आप बताओ भाई, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो बताओ। हम देख रहे हैं कि ठीक करा दे बस। अच्छा ठीक करा दे, नुकसान तो उसका नहीं है भाई, फिर हां भाई इसको काट दिया। हां भाई ये गाड़ी वाले तो थमो पहली बात तो बनता, या कुछ भी हो, गलती भाई की है कि भाई ये रॉन्ग साइड सारी है, अगर हमारी गलती है तो 13 महीने की ठीक कराने की जिम्मेवार है, अगर हमारी गलती नहीं है। दिलबाग जी वैसे कानून क्या कहता है रॉन्ग साइड से आने वाला? ये कहता है रॉन्ग साइड से ये बाइक आ रहा था, गलती इसकी है, रॉन्ग साइड परली साइड है इसका, वो तो परली साइड जाना। ये गाड़ी कौन चला रहा था? बंद थी साइड, क्या साइड बंद हो रही थी, कहाँ से बंद हो रही, बंद हो गई है, रेडियो कैसे नहीं बंद है, वाली साइड बंद है, नहीं खुल रही है वो साइड, इसीलिए भीड़ के चक्कर में इधर जाए, ये नहीं तो उधर से ब्रेक मारनी पड़ेगी, इधर से स्पीड में निकल जाओ, इस करके इधर जाए, स्पीड में गलती तो नहीं किया, उधर से भीड़ के चक्कर में बच लेंगे। फिलहाल इनकी तरफ से गाड़ी कौन चला रहा था, पुलिस मौके पर, और बड़ी संख्या में देख लीजिए लोग भी यहाँ पर एकत्रित है। भाई वो उसकी तबीयत कहाँ है? ये गाड़ी कौन चला रहा था आपकी? ये गाड़ी कौन चला रहा था भाई? ये गाड़ी कौन चला, आप चला रहे थे? दोनों गाड़ी थाने में भाई। किस थाने में जाना? अपने सिविल लाइन, सिविल लाइन, सिविल लाइन का पड़ेगा, चौकी का पड़ेगा, 13 का पड़ेगा, कन्फर्म कर लेता हूँ। आप लोग किस तरह से आ रहे थे, गाड़ी कौन चला रहा था आपकी? गाड़ी भाई चला, आप कहाँ से आ रहे थे, आप कहाँ से? अच्छा यहाँ से अपनी अपने रास्ते पे आ रहे थे, ये कह रहे हैं हम स्पीड में थे, बट यहाँ पे इतना रश था कि हमने ब्रेक मार के आराम से ली, अगर स्पीड में होती तो सामने वाली गाड़ी में भी लगनी चाहिए थी, बट ये जैसे जैसे आए इनकी गाड़ी हमारी बैक में लगी, तो लगनी तो फ्रंट से चाहिए थी, बट इनकी गाड़ी बैक से लगी। भाई तो आप लगे रॉन्ग साइड में, अगर तो राइट साइड में तो गलती मारी है, जिप तो खुद ही रॉन्ग साइड में, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, और मैं आपको दिखा दूं, एक गाड़ी ये है
जिसका बम्पर वाली साइड से अगर आप देखेंगे यहाँ पर डेंट है। दूसरी गाड़ी भी आपको दिखा देता हूँ, भारी संख्या में लोग एकत्रित, और दूसरी गाड़ी ये है जिन गाड़ी पर आपस में, हालांकि ये गाड़ी अपनी तरफ से जा रही थी 51 51 51 ये अपनी रूट पर जा रही थी, और वो दूसरी गाड़ी जो है वो रॉन्ग साइड से आ रही थी, उसने इस गाड़ी को, हालांकि चोट नहीं आई किसी को लेकिन गाड़ियों का नुकसान है। उसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया क्योंकि आपस में बहुत ज्यादा बहस शुरू हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, और आप ये वाली गाड़ी चला रहे थे, आप अपने रास्ते पे आ रहे थे, ओवर स्पीड पे थे, वो कह रहे आप बहुत तेज थे। रोड पे तो स्पीड होती नहीं है, हाँ। स्पीड भी थी यहाँ पे तो बिल्कुल आराम से ही चल रही थी। आराम से चल रहे थे वो लोग, तेज थे क्या कि वो भी आराम से थे, मतलब रश ज्यादा था। वो कह रहे उधर से रास्ता बंद है, क्या रास्ता बंद है उधर से? खुला हुआ रास्ता उधर से, खुला हुआ है फिलहाल, भीड़ के चक्कर, उधर भीड़ थी इसलिए भीड़ के चक्कर में नहीं है। और सामने देख लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए क्योंकि पुलिस को मौके पर बुलाया गया, और पुलिस जो है वो मौके पर मुआयना कर रही है। पुलिस मौके पर मुआयना, विशाल नाम उसका भाई, विशाल कला रहता है, कहाँ का विशाल? विशाल इधर कहीं है, नमस्ते चौक, नमस्ते चौक। आप कहाँ के हो भाई? दिलबाग जी क्या मामला है पूरा? क्या नाम है भाई आपका? साहिल, ये कालरम गांव का है साहिल, ये गाड़ी चला रहा था परंतु क्या है ये रॉन्ग साइड से आ रहा है, और ये विशाल नाम का लड़का अपनी साइड से जा रहा था, इनका आपसी में बड़ा टकराव है, आमने सामने हुआ है, दोनों गाड़ियों के बम्पर वगैरह टूटे पड़े हैं, तो दोनों गाड़ियों वाले कहते भाई मेरी गलती नहीं, वो कहता मेरी गलती नहीं, गलती तो रॉन्ग साइड वाले की है, इनको हम सेक्टर 13 की चौकी लेके जा रहे हैं। सेक्टर 13 चौकी पड़ती है, सेक्टर 13 की चौकी का एरिया, सेक्टर 13 की चौकी में लेके। लेकिन दिलबाग जी सड़क पर चलेंगे तो ये चीजें होंगी होंगी कहीं ना कहीं, दिलबाग जी ज्यादा नुकसान नहीं है, ये तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आप, ज्यादा नुकसान तो नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। अच्छा, यो भाई कहते मेरी गाड़ी में तुमने जबरदस्त टक्कर मारी है, तुम मेरी गाड़ी का नुकसान दो, वो कहता है मेरी गाड़ी। देखिए ये भी रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, फिलहाल रॉन्ग साइड के कारण गलती तो उसकी है परंतु ये बाइकर है भाई, मेरी गाड़ी आप उस साइड से आ रहे हैं, आप अपनी बात रखो, उस साइड से बंद था रास्ता। अच्छा। मैं इस साइड से लेके मेरे को कहीं काम जाना था, रॉन्ग साइड और भी गाड़ी जा रही है तो अकेले नहीं जा रहे, उस टाइम कम से कम 20 गाड़ी जा रही थी, इसलिए मैं इस साइड से लेके आया, उस बाइक घर से आया इस साइड से, वो रास्ता बंद है, वो रास्ता बंद था उस टाइम। अच्छा, उस टाइम ये बाइक ने इस साइड से कट लिया, आगे से बच्चा भी आ सकता था, बाइक भी आ सकती थी, कुछ भी नुकसान हो सकता था, इसने मेरी गाड़ी, मैंने ऐसे मोड़ी उस बाइक हाथ पहला, हाथ पहनने के बाद इस बाइक ने उस गाड़ी को बचाते हुए मेरी गाड़ी में ठोका है। नुकसान नुकसान तो कुछ ज्यादा है, ज्यादा नुकसान तो नहीं है भाई, नुकसान नहीं है उसका भी, कोई नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है भाई, अकड़ के पड़े हम के ऊपर, चलो कोई नहीं, गर्मा गर्मी हो जाती है मामला, अकड़ के हम नहीं पड़े, इन्होंने भाई की गाड़ी में तो चाबी निकाल ली, चाबी तो भाई मार रहे थे, मार के इसलिए रख देवे, एक तो रॉन्ग साइड से आ रहे, गाड़ी मारी और चाबी निकालने लग रहे, ये कहा करूँ ला, आपको लगता है लेकिन इस मैटर को यही खत्म कर लेना चाहिए पुलिस चौकी में, ज्यादा बड़ा मैटर तो है नहीं भाई, हम खत्म करना चाह रहे थे, इन्होंने मारे को जाने नहीं दिया, ये नू भी बोले हम चौकी में जान दो बुलाओ पुलिस वाले, ये बात बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर दे भाई साहब, इस मैटर को यही खत्म कर लो आप, भाई साहब हम तो कह रहे हैं हम इनकी गाड़ी को ठीक करा देते हैं, हमारी को करा देते हैं, बात क्या बात है, हम नहीं कि अभी हम अपने ना खुद ठीक करवा लेंगे, ये मानने नहीं, चलो आप तो बोल रहे हैं, वो ये भी चौकी में जाएंगे हम अपने, भाई तो बात मैंने बोली थी मैं तुम्हारे को ठीक कराऊं, बोल रहे हैं भाई साहब, वो तो बोल रहे हैं यू भाई अपनी नहीं, हां भाई भाई अपने अपने करा लो, गलती भी तो तेरी है भाई, यार गलती भी है, एक बात काम है भाई, जनाब एक बात सुनो, एक बात तो आगे से बच्चा आ जाता मोटरसाइकिल आ जाती कुछ आ जाती, वो उस बच्चे को कुछ या किसी मोटरसाइकिल वाले को कुछ हो जाता तो उसका वो कौन करता, ये तो चलो हम गाड़ी लेते हमारा कोई नुकसान नहीं होया, आप रॉन्ग मैंने क्यों आए थे, रॉन्ग मैंने बच्चा है जंदा, अगर अगर रॉन्ग मैंने बच्चा है जंदा, अगर गाड़ी हो रॉन्ग मैंने अलग रही, गलत तो गलत होएगा, एक मिनट कानून का शब्द है, गलत तो गलत है, 10,000 गाड़ी चाहे 20,000 भाई, एक बात बताओ रॉन्ग साइड भैया, आप एक बात, मैं बिल्कुल जमीन जीरो की स्पीड, कहीं आदमी ना काम भी होता जाम लग गया था, कोई बात नहीं, दुनिया जाती है आपके आगे भी, अब 10 गाड़ियां निकली हैं, नहीं निकली आप बता दो, निकल गया मोटरसाइकिल भी निकल गया सारा कुछ, भाई ने पकड़ा था एक मिनट भाई का हाथ पहला, इसने पर वोक्सवैगन की वेंटो कार खड़ी थी, उसने उसको बचाने के चक्कर में इसकी सीधी कार थी तो निकल जाती, इसको उसको बचाने के लिए इसने इसका हाथ पहले पीछे से कार लगी, अगर उसमें नहीं था उसमें लगाई
वो नहीं बताएगा तो भाई रोंग मत तो है नहीं तेरी वजह तो इसका या वहाँ लगता या तेरे में लगता नहीं सर ये निकलता ना नहीं होता जनाब फिर लग जाती गाड़ी दिलबाग जी रोंग मत बोल रहे हैं कि मैं खर्चा देने को तैयार जो खर्चा है जो एक मिनट ऐसा ही है इतने मुंह रखो जी इतने रस में से इतनी स्पीड में लेके जाएगा फिर तो क्या चाहते हो आप लोग क्या चाहते हो? कह रहे मेरी गाड़ी सही करो मैं आपकी कराऊंगा जी ऐसा अपनी करवा लो ठीक है। हम तो पहले हमने इनके पास ऑफर रखा था ठीक है बटे ना अटके फिर हमने कहा 112 नंबर पे कॉल नहीं मिल रही थी हमने कहा भाई चलो थाने में चल लेते हैं या हमें कहते जिसको आना यही बुला लो और पुलिस वालों को भी यही बुला लो। फिलहाल देख सकते हैं इस समय यहाँ पर बहस होती हुई जरूर नजर आ रही है और यार कल को हमें गाड़ी बेचनी पड़ेगी तो हम कैसे बेचेंगे? अब ये आरोप लगा रहे हैं कि आपका जो है ना गलत साइड से गाड़ी आ रही है। भाई साहब दुनिया आने लग रही वो गाड़ी भी आने लग रही है उस साइड से दुनिया आने लग रही नहीं वो भी गलत है कानून का शब्द चलो कोई बात नहीं बात बढ़ाओ सुनो मेरी बात अपनी अपनी ठीक करवा लो हम तो तैयार है अपनी अपनी करा लो कोई बात नहीं कुछ इतना ज्यादा नुकसान नहीं है बचाव हो गया चोट किसी को नहीं लगी ये बड़ी बात है। भाई साहब मैंने पूरी दाबी आकार जैसे पूरी जमीन दाब के कि भाई बचाव हो जाए इसने इसका हाथ बैलते इसने गाड़ी सीधे के बजाय बिल्कुल एकदम ऐसे कोई नहीं भाई जी आपने समझदारी अपनाई कोई बात नहीं अपनी अपनी गाड़ी करवा लो लेकिन मामले को क्यों बढ़ाओ भाई साहब रबिंग से साफ हो जाएगा इसका जो कुछ है जी रॉन्ग साइड में आया तो इन्होंने 10 बंदे बुलाए हैं पीछे से 2 बंदे भाई आ रहे हैं भाई आ रहे हैं भाई आ रहे हैं अगर नहीं करवाना तो अगर किसी ने हाथ लगाया तो बताओ कुछ किसी ने आपको मारा पिट्टी करी हाथ लगाई हो तो बताओ एक मिनट में मैं अपने टोकी लेके भाई साहब मेरी गम में पता क्या है इनकी कार में ठीक करा देते हैं भाई वो तो देखो आपकी मैटर है तुम्हारा देखो क्योंकि ये मैं कह नहीं सकता रॉन्ग साइड और क्या भाईचारे से अपना कर लो क्या हो गया तो अपने करा ले भाई अपने बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं और क्या बात बताई जानी है भाई साहब गाड़ी इंश्योरेंस में है ना करवा लो यार खत्म करो कुछ नहीं होता ज्यादा नहीं है नुकसान फिलहाल मामला यहीं पर सॉर्ट आउट करवाने का जरूर प्रयास किया जा रहा है और जो व्यक्ति जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसकी गाड़ी आगे खड़ी है और ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है लेकिन बिलाल उसके साथ एक और नहीं निकल सकती देख तू भाई साहब मैं तो एक एक वहाँ से निकाल के देख वहाँ से हम वहाँ तुम्हारी दो गाड़ियाँ फंसेंगी वहाँ से निकाल के दिखा दे दो गाड़ी नहीं निकले तो जनाब भाई बात होगी नुकसान किसी को और फिर भी भाई बात होने लगी है ना क्या वो तो कह रहे हैं अभी वो दबाव नहीं बना रहे वो तो कह रहे हैं सेक्टर 13 चौकी चलो आप लोग अपनी संतुष्टि कर भाई वो तो कह रहे हैं अभी जैसे तुमने काम करना सेक्टर 13 चौकी आप कह रहे हो जाने पर कोई बंपर थोड़ी भी करवा देगा मान लो उसी गाड़ी का उसकी गाड़ी की वो भी कह देगा मेरी गाड़ी खिड़की लग रही मैंने पेंट करा दो गाड़ी ये पेंट थोड़ी करा देगा उसकी गाड़ी क्या देगा रविंग जाएगी रविंद क्यों कराएगा अगला माला गाड़ी वो भी कह देगा मेरी गाड़ी पेंट करो मैं तो पेंट कराऊंगा भाई भाई क्या दिया तो उनको अगर सर जो वो रास्ता है क्या वो रास्ता ठीक नहीं है दिलबाग भाई ये देखो अब वो देखो दो गाड़ियां आ रही है पर थोड़ा ड्राइवर ने समझो वो जाने भिड़ेंगी भिड़ेंगी देख लो कैसे ये देखो ये भी रॉन्ग साइड से आ रही है चक्कर मारना पड़ेगा इस चक्कर में था बस यो शॉर्टकट शॉर्टकट लेना चाह रहे थे भाई 13 सेक्टर चौकी में जा रहे हैं और फिलहाल ये बम्पर यहाँ से थोड़ा सा इनका टूटा और दूसरी गाड़ी आगे है ये मुगल कनाल का वो रास्ता देख लीजिए रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है लेकिन इन गाड़ियों को रोक टोक करने वाला कोई नहीं है देख लीजिए ये रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है इन गाड़ी को रोक टोक करने वाला कोई नहीं है चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो ये तमाम वाहन जो है ये रॉन्ग साइड की तरफ से आ रहे हैं देखिए इधर से और अच्छा एक रोंडा का रहने वाला कालम गांव का एक सेक्टर 4 सभी कहाँ लेके जा रहे हैं इनको सेक्टर 13 की चौकी में लेके वही बातचीत होगी फिलहाल वही बातचीत होगी और सेक्टर 13 की चौकी में दोनों वाहन जो है वो लेकर यहाँ से जाएंगे और इन दोनों वाहनों को सेक्टर 13 चौकी में बता रहे हैं लेकर जाएंगे फिलहाल गाड़ियों में कोई ज्यादा नुकसान नहीं है ये देख लीजिए ये गाड़ी है गाड़ियों में कोई ज्यादा नुकसान नहीं है लेकिन फिर भी मामले को रफा दफा कर सकते थे लेकिन मामला रफा दफा
नहीं करना चाह रहे। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय दें। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था हाईवे पर एक रॉन्ग साइड से जो गाड़ी आ रही थी उसने दिल्ली नंबर गाड़ी को उड़ा दिया और गाड़ी में जो लोग बैठे थे उनकी बहुत बुरी तरीके से चोटिल हो चुके थे। फिलहाल उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे लेकिन इस मामले में चोटिल कोई नहीं हुआ, लेकिन मामला वही है कि फिर रॉन्ग साइड से आने के चक्कर में ये पूरा का पूरा हादसा जो है वो हुआ। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय दें। साथ के साथ उन लोगों के लिए वीडियो बहुत जरूरी है जो शहर में सीधे रूटों को छोड़कर रॉन्ग साइड से शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। मैं मनीष शर्मा, वायरल हरियाणा से, आप सभी के साथ लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।